Hello students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. In the last class, we had completed with the topic of translation. And today, we are going to start from the next and the last part of this chapter, that is the Human Genome Project. So students, Human Genome Project ke andar hume kya kya kuch dekhne ko mil sakta hai? It is very important project and isme hume pure human genetic material ke bare mein information mili thi. So that was the project and iske base pe bahut sare questions aate hain in the we can say नीट के अंदर एंड ऑफ कोर्स आगे भी. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, लेट अस सी. द एंटायर डीएनए in the haploid set of chromosomes of an organism is called genome. The entire DNA in the haploid set of chromosomes of an organism is called genome. मतलब हमारे sperms और हमारे ovum के अंदर जो भी genetic material है, चाहे वो mitochondrial है, चाहे वो chloroplast वाला है, चाहे वो I can say nuclear है. So that DNA in the haploid set of chromosome is known as genome. In the human genome, DNA is packed in 23 chromosomes and it consists of total 3 × 10⁻⁹ base pairs. Human genome consists about 3 × 10⁻⁹ base pair. So you have to remember this number. This number is very important. आपको MCQs में question पूछा जा सकता है. What is genome? Genome haploid set होता है, ये आपको याद रखना है. Haploid set के अंदर 3 × 10⁻⁹ होते हैं base pairs. So in the diploid set, हमारे अंदर total genetic material students कितना होगा? हमारे अंदर total genetic material is 2 × 3 multiplied by 10⁻⁹. मेरी इस एप्लीकेशन के अंदर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. बट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि जितने हमारे बेस पेयर्स हैप्लॉइड सेट के अंदर प्रेजेंट है, डिप्लॉइड में उसका डबल होगा. इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट वाज स्टार्टेड इन 1990 to 2003, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड मैपिंग ऑफ ऑल द जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम. इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, हमारा फर्स्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजीनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप. डीएनए का एक पार्ट न्यूक्लियोटाइड ही होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को, उसकी अरेन्जमेंट को इन्होंने पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है. एंड मैपिंग मतलब एक जीन का दूसरे जीन पे कितना डिस्टेंस है, इन सब चीजों को इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल करना पढ़ना शुरू किया था. एचजीपी वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. एचजीपी सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने शुरू किया था एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने शुरू किया, ठीक है. कहाँ, कौन से ईयर में? ये 1990 में शुरू हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था, मतलब आपके पैदा होने के टाइम पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था. सो व्हाट वाज द गोल्स ऑफ एचजीपी? अगर आपको क्वेश्चन आता है, वो आता ही होता है हमेशा, हर 12th के हर एग्जाम के अंदर एचजीपी पे क्वेश्चन तो आता ही होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स, देन यू हैव टू राइट द गोल्स ऑफ द एचजीपी. गोल्स ऑफ एचजीपी का नीट में भी क्वेश्चन आता ही होता है. इसका गोल क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांटेड टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए.
ह्यूमन डीएनए के अंदर कौन से जीन्स है, कितने टाइप्स ऑफ जीन्स है, क्या क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये सब एचजीपी के गोल्स थे. सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स ऑफ द ह्यूमन डीएनए, हमारे अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में लिखना, दीज ऑल वर नीडेड बाय गोल्स ऑफ एचजीपी. दीज वर द गोल्स ऑफ एचजीपी. स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, जो भी हमने इंफॉर्मेशन को कोड किया, इस इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर कर लिया इन द डाटाबेसेस. Yes. Improve tools for data analysis. Data analysis के tools को improve करने के लिए हमने क्या किया, इसको use किया. मतलब पहले हमने इसके nucleotides के structure को, information को बाहर निकाला, फिर उसको स्टोर किया databases के अंदर. हमारे पास बहुत सारे databases हैं. You can go to the site national NIH, basically National Institute of Health, NCBI, NIH databases, और उसमें कोई भी जीन ले लो, उस जीन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहां पे. तो ये सारे डाटा एनालिसिस के टूल्स को हमने इम्प्रूव कर दिया. ये जो गोल्स ऑफ एचजीपी है स्टूडेंट्स, ये 20 years पहले का, अप्रोक्सीमेटली 20 years पहले का प्रोजेक्ट है. इसमें बहुत सारे सपने थे और जो भी इनके गोल्स थे वो आज ऑलमोस्ट दीज गोल्स आर ट्रू टूडे. और ह्यूमन जेनेटिक्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें बहुत ही ज्यादा स्कोप है. सो ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स. अदर सेक्टर्स मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या फिर मेडिसिन के अंदर, फार्मेसी के अंदर. हमने मेडिकल के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया सो दैट इसको यूज किया जा सके. जैसे कि कैंसर, कैंसर के अंदर कोई भी जीन जो अल्टर हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ सकते हैं अच्छे से. नेक्स्ट इज एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. गोल के अंदर स्टूडेंट्स एथिकल इश्यू बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई तो हम इसको यूज करेंगे कल को. सपोज करो हमें पता चल गया कि कौन सा जीन है इंटेलिजेंस वाला, कौन सा जीन है ताकत वाला, कौन सा जीन है स्मार्टनेस वाला या गुड लुक्स वाला, तो उन चीजों को हम आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कर सकते हैं. दीज आर द एथिकल एंड द लीगल इश्यूज. अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर हर अमीर लोग क्या करने लग जाएंगे, खुद के बच्चे को बनवाने लग जाएंगे इस तरीके से, एंड गरीब क्या हो जाएंगे, वो गरीब होते रहेंगे. सो स्टूडेंट्स हमें कुछ भी ऐसा करने से पहले, ह्यूमन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज अ वेरी वास्ट फील्ड. वास्ट फील्ड होने के साथ साथ सबसे ज्यादा रिस्कफुल फील्ड भी ह्यूमन जेनेटिक्स ही है, क्योंकि जेनेटिक्स की हेल्प से हम एक न्यू एनिमल को अराइज कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को अराइज कर सकते हैं, बट साथ ही साथ हम एक मॉन्स्टर या एक एलियन को भी बना सकते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमने ध्यान में रखना है. सो मेटीरियोलॉजी, उसने क्या किया था, दो मेजर अप्रोचेस के थ्रू जीन्स की इंफॉर्मेशन को निकाला था. फर्स्ट वन वॉज द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, दैट इज द ESTs, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNAs. जो भी जीन्स RNA बना रहे हैं, अपना mRNA बना रहे हैं, मतलब वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस और जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने सबसे पहले उन जीन्स को पहचाना जो RNA में कन्वर्ट हो रहे हैं. उसके बाद सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट इज कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड द नॉन कोडिंग फंक्शनिंग. फिर हैप्लॉइड सेट का सारा सीक्वेंस निकाला उसने कि पहले ये जीन है, उसके बाद ये जीन है, उसके बाद ये जीन है, ऐसे करके कोडिंग की उन्होंने. कोडिंग रीजन्स, कोडिंग रीजन्स मतलब जो RNA बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, एंड नॉन कोडिंग रीजन्स, क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक ह्यूमन बींग के एक्सप्रेशन में, नेचर में, उसके बिहेवियर में. ये सब चीजों को उन्होंने समझा. एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद द
फंक्शंस, एंड फिर उन्होंने सीक्वेंसिंग कर ली। फिर सीक्वेंसिंग करने के बाद उन्होंने फंक्शंस के बारे में बता दिया कि इस सीक्वेंस का ये फंक्शन है, इसका ये जीन है, ये ऐसे करते हैं। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काम कैसे करता था, स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डिड, दे आइसोलेटेड द सेल एंड दे टुक आउट द डीएनए फ्रॉम द सेल। सपोज करो मेरे पास ब्लड सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, हेयर सेल है, किसी भी टाइप का सेल है मेरे पास, उसमें से मैंने उसका न्यूक्लियस में से डीएनए निकाल दिया। डीएनए जब मैं निकालूंगी तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी आएगा और न्यूक्लियर डीएनए भी आएगा, और उस डीएनए को मैंने, जब मेरे पास डीएनए आ गया तो उस डीएनए को मैंने कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, मतलब उस डीएनए को मैंने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ दिया। उसके बाद क्लोन इन अ होस्ट, उसके बाद फ्रेगमेंट्स को तोड़ने के बाद मैंने बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर उसको क्लोन किया। स्टूडेंट्स चाहे वो ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बैक्टीरिया के पास भी सारे ऐसे मशीनरी होते हैं जो उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी को बनाने के लिए चाहिए। तो मैं अगर फ्रेगमेंट अपना निकाल रही हूँ तो उसको मैं कॉपी कर सकती हूँ बड़ी आराम से नहीं, बेसिकली दैट इज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग, बट फिर भी दैट इज पॉसिबल यूजिंग वेक्टर्स, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फॉर एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना, उसको कॉपी करना। उसके बाद अब जो फ्रेगमेंट्स मैंने कॉपी कर लिए उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे यूजिंग द डीएनए सीक्वेंसर्स। डीएनए सीक्वेंसर्स सीक्वेंसिंग को पहचान करते हैं, एंड फ्रेडरिक सैंगर मेथड इज वन मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड टू सीक्वेंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंसिंग कर ली हमने, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन्स एंड अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अलाइनमेंट कर दी कि पहले ये जीन आएगा, उसके बाद ये जीन आएगा, क्योंकि ये डाटा हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इन दिस वे व्हाट वी डिड, वी सीक्वेंस्ड ऑल द क्रोमोसोम, ऑल द जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग। पहले उसको आइसोलेट किया, फिर उसके फ्रेगमेंट्स तोड़े, फिर हर एक फ्रेगमेंट को क्लोन किया। हर एक फ्रेगमेंट को क्लोन करने के बाद हमने सीक्वेंसिंग की उसकी। सीक्वेंसिंग के बाद हमने उसको अरेंज किया, अलाइन किया प्रॉपरली यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिवर सेल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने लाइब्रेरी प्रिपेयर की। लाइब्रेरी मतलब हमने जीन्स एंड डीएनए की इंफॉर्मेशन को निकाला। उसके बाद हमने सिंगल जीनोमिक फ्रेगमेंट को, सिंगल जीनोमिक फ्रेगमेंट की 1000 कॉपीज बना ली, एंड वी सीक्वेंस दैट इन टू द मशीन एंड देन एनालाइज इन टू द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स देखो, दिस इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, एंड डीएनए से हमने ये डाटा निकाल लिया। स्टूडेंट्स ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, दिस इज द डाटा दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स। ये डाटा है जो कंप्यूटर क्या करता है, एनालाइज करता है। और ये हम कैसे निकालते हैं, डीएनए को आइसोलेट करके, उसको फ्रेगमेंट, उसकी फ्रेगमेंट तोड़ के, उसको कॉपी करके, देन सीक्वेंस करके, एंड देन कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर के अंदर सब, मतलब कि इंटरनेट के ऊपर ऑन द वेरियस गवर्नमेंट साइट्स जो जेनेटिक स्टडीज से रिलेटेड है, उसके अंदर हर जीन की इंफॉर्मेशन पड़ी है। नाउ फ्रेडरिक सैंगर, सैंगर का क्या प्रोसीजर था टू फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। सैंगर हैज ऑल्सो डिवेलप्ड मेथड फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। DNA is converted to random fragments as there is a technical limitation in sequencing of very long pieces of DNA. DNA बहुत ज्यादा long होता है, बहुत ज्यादा coiled form में present होता है, तो उसको हमने fragments में तोड़ना है ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सकें, उसको अच्छे से समझ सकें। जैसे मेरे पास 2000 pages की book है, 2000 pages की book को मैंने उसको
10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हर एक बुक में मैंने 400 पेज रख लिए, उस 10 पार्ट 400 पेज वाली बुक को मैंने 6 महीने में या 2 महीने में मैंने उसको रीड करना है, दैट इज कंपैरेटिवली इजी एंड सीक्वेंसिंग है ना, सीक्वेंसली मैं इसको पढ़ सकती हूँ। लेकिन जो लॉन्ग बुक है, हैवी बुक है, उसको पढ़ने में ही मुझे घबराहट हो जाएगी कि कैसे पढ़ूं, ठीक है। वैसे हमारे डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं, सो दैट उससे अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाली जाए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। उसने क्या किया था स्टूडेंट, फ्रेडरिक ने अमाइनो एसिड्स को सीक्वेंस करने का एक तरीका ढूंढा था जिसमें उसने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया था। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स 22 क्रोमोसोम्स आर द ऑटोसोम्स एंड 24 क्रोमोसोम्स, हम में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 का जो पेयर है वो क्या होता है ऑटोसोम्स का, एंड 24 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं क्योंकि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, बाकी के 22 के 22 क्रोमोसोम्स आर सिमिलर टू ईच अदर, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने 24 क्रोमोसोम्स लिखा है, 23 क्रोमोसोम्स नहीं लिखा। सबसे लास्ट पे जो सीक्वेंस हुआ था क्रोमोसोम, दैट वाज द क्रोमोसोम 1, एंड क्रोमोसोम 1 वाज सीक्वेंस्ड इन द मंथ ऑफ मई इन द ईयर 2006, ये आपको याद रखना है क्योंकि मैंने बोला है एचजीपी पे क्वेश्चंस आते होते हैं, बहुत ज्यादा आते होते हैं एंड कभी भी आ सकते हैं, सो इसको आपको याद रखना है। Genetic and physical maps on the genome were generated using information on the polymorphism of restriction endonucleases, recognition sites and some repetitive DNA sequences. इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑफ जीनोम, जीनोम है हमारा सारा हैप्लॉइड सेट, उसकी हमने मैपिंग की, मैपिंग के अंदर हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर द एंजाइम्स, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करते हैं, तो वो जहां जहां पे कट करेगा हमें पता चल जाएगा कि ये वाला है, ये वाला एंडोन्यूक्लियस इसने यहाँ पे कट किया, मतलब यहाँ पे ये वाली साइट प्रेजेंट है, तो हम ऐसे करके रिकॉग्निशन कर सकते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स की। डीएनए सीक्वेंसेस ऑल्सो हैव बीन डन इन बैक्टीरिया, यीस्ट, एलिगेंस, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला एंड प्लांट्स। स्टूडेंट्स ये सारे जहां पे डीएनए सीक्वेंसेस हो चुकी है, दे आर द मॉडल्स ऑफ जेनेटिक्स और जेनेटिक मॉडल्स। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मॉडल है, तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया, यीस्ट, यीस्ट के अंदर ऑफ कोर्स यीस्ट, बैक्टीरिया के अंदर इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन वन, देन सी एलिगेंस, सी एलिगेंस इज अ नेमेटोड, नेमेटोहेलमिंट है, देन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला तो हमें पता ही है, एंड प्लांट्स के अंदर राइज एंड अराबिडोप्सिस, दीज आर द जेनेटिक मॉडल्स, दे हैव बीन यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग इन द जेनेटिक्स। तो फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम क्या था, ह्यूमन जीनोम के अंदर 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस को कोड किया, सीक्वेंस किया, और उसने क्या निकाला कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 30,000 जीन्स होते हैं एंड हर जीन के अंदर 3,000 बेसिस होते हैं, बट हो सकता है कई जीन्स बहुत छोटे हैं और कई जीन बहुत ज्यादा बड़े हैं। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन इज अ मसल मसल मस्कुलर जीन, बेसिकली मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है मस्कुलर प्रोटीन। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होता है, दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग।
सो ये सबसे बड़ा होता है और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 2.4 मिलियन बेसेस. नेक्स्ट इज 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सेम इन ऑल पीपल. Only 0.1%, that is 3 into 10 raised to power 6 base pair difference make every individual unique. 99.9% देखो हमने देखा है कि जितने भी लोग आप यहाँ तक मिले हो, आज तक मिले हो, किसी की भी शक्ल आपसे मिलती नहीं है. वो शक्ल का जो डिफरेंस होता है ना 0.01% ऑफ द डिफरेंस इन द डीएनए की वजह से होता है. लेकिन स्टूडेंट्स वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स के होने की वजह से हम सब में आवाज है, हम सब में आंखें हैं, नाक है, कान है, हमारे अंदर लिवर इंटेस्टाइन एंड एवरी सिंगल फीचर इज सेम. सेम ज्यादा है हम में चीजें, डिफरेंस तो बहुत कम है. किसी का नाक पतला है, किसी का मोटा है, किसी के चीक्स बाहर है, किसी के चीक्स वी कैन से अंदर है, किसी का फेस गोल है, ओवल है, इन दिस वे. ये थोड़े से फिजिकल फीचर्स हैं जो वेरी करते हैं, ये 0.1% की वजह से वेरी कर सकते हैं. सो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है. छोटे बच्चे हैरान जरूर होते हैं इस चीज को सोच के, अच्छा हम लोग इतने डिफरेंट दिखते हैं लेकिन हम में जो डिफरेंट है वो 0.1% का ही डिफरेंट है. अरे भाई तुम सभी लोग क्या हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी में सेम कैपेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स, स्पीच एंड एक्सेट्रा. इसी वजह से सभी जो ऑर्गेनिजम्स है उनका 99% जो डीएनए है वो सेम रहता है. तो फंक्शंस ऑफ ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन. हमने देखो 30,000 जीन्स टोटल डिस्कवर किए, उसमें से 15,000 अप्रोक्सीमेटली 15,000 का हमें फंक्शन ही नहीं पता है कि वो क्यों प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स दैट इज नॉट अ इजी थिंग, ठीक है, क्योंकि हर एक जीन का फंक्शन ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली एक ह्यूमन बींग के अंदर. एंड लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, मतलब बाकी के 98% जो है वो यूजलेस हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स को कोड ही नहीं करे. अगर प्रोटीन्स को कोड नहीं करेंगे तो जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है. एंड क्रोमोसोम 1 के अंदर सबसे ज्यादा जीन्स हैं एंड क्रोमोसोम वाई के अंदर सबसे कम जीन्स हैं. एंड सबसे जो बड़ा जीन है दैट इज डिस्ट्रोफिन. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं. 8th पॉइंट है वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हम सब में है ही एक चीज, हम सब में डीएनए है. डीएनए के अंदर चार ही बेस पेयर्स होते हैं, जी ए टी सी. तो सब में जी ए टी सी ही होगा और हो सकता है कि सब में ऑफ कोर्स ये चीजें बहुत ज्यादा रिपीट हो रही हैं. तो 98% ऑफ द डीएनए जो है वो रिपीट ही हो रहा है. अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस हैव सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस. दे आर कॉल्ड एसएनपीज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिजम्स. दे हेल्प टू फाइंड क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसिंग एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री. स्टूडेंट्स 1.4 मिलियन हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम है दे आर द 24 क्रोमोसोम्स जिसको हमने कोड किया, और उनमें से 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं जिसमें मतलब सिर्फ एक एक बेस का ही डिफरेंस है. जैसे ATGC, मैंने एक सीक्वेंस ले लिया ATGC, उसमें ए की जगह नेक्स्ट में टी आ गया, ठीक है. तो ये क्या है, सिंगल बेस पेयर डिफरेंसेस वाले जीन्स हैं या बेसिस हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, स्निप्स बोलते हैं. एंड ये क्या करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करता है. सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और वी कैन से डीएनए प्रोफाइलिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग स्टूडेंट्स होता क्या है बेसिकली, दिस इज कि हम किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स को निकालने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं. एक बच्चा है, उसके पिता कौन है, ये चीज को फाइंड करने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं. डीएनए टेस्ट जो होते हैं ना वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं उसको, या डीएनए प्रोफाइलिंग.
एलेक जेफ्रे ने इसको डिस्कवर किया था. और ये जो टेक्निक है ये सिमिलैरिटी बिटवीन टू इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. जैसे कि क्राइम सीन के ऊपर किसी का बाल मिल गया, हमने उस बाल का डीएनए टेस्ट कर लिया और फिर बाकी के जो सस्पेक्ट हैं उनसे मैच कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा दैट हु इज द विच, मतलब इनमें से कौन है जो वी कैन से कल्प्रिट है. So DNA fingerprinting is the technique to identify the similarities and differences of DNA fragments of two individuals. It was developed by Alec Jeffrey in 1985. What is the basis of DNA fingerprinting? DNA carries some non-coding repetitive sequences. Number of repeats is specific from person to person. सपोज करो स्टूडेंट्स गाटा, हमने गाटा सीक्वेंस ही ले लिया. मेरे मदर के अंदर गाटा सीक्वेंस 50 टाइम रिपीट हो रहा है, मेरे फादर के अंदर गाटा सीक्वेंस 20 टाइम रिपीट हो रहा है. तो मेरा हाफ ऑफ द डीएनए मदर को रिप्रेजेंट करेगा, हाफ ऑफ द डीएनए फादर को रिप्रेजेंट करेगा. और जब सीक्वेंसिंग की जाएगी तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो डीएनए है ये मेरी मदर और फादर के ऊपर बेस्ड है एंड आई एम द चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन. तो ये रिपीटिंग जो रेपिटेशन, जितने नंबर की रेपिटेशन है ना, दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्सन. कि एक जीन है वो एक पर्सन में इतने बार रिपीट हो रहा है, दूसरे पर्सन में इतने बार रिपीट हो रहा है. जितने ज्यादा रेपिटेशन मिल रहे होंगे ना, उतने ज्यादा, जैसे कि हम देखो मार्क्स ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द मार्क्स इन साइंस मैथ्स पंजाबी एंड हिंदी. दो भाई हैं, उन्होंने सेम पढ़ाई की थी, एक साथ पढ़ाई की थी. एक के साइंस में 20 मार्क्स है, उसके मैथ्स में 25 मार्क्स है, उसके पंजाबी में 70 मार्क्स है और हिंदी में उसके 55 मार्क्स है. उसका जो भाई होगा, स्टूडेंट्स उसका भाई होगा, क्योंकि उन्होंने सेम पढ़ाई की थी, तो भाई के क्या कितने मार्क्स होंगे, 19. मैथ्स में इसके मार्क्स होंगे 27. देन पंजाबी में उसके मार्क्स होंगे 80 एंड हिंदी में उसके मार्क्स होंगे 55. तो ये देखो, ये सिमिलैरिटी इंडिकेट कर रहा है ना कि हाँ ये दो भाई हैं जिन्होंने सेम टाइम पे एक साथ पढ़ाई की थी. वैसे ही हमारे डीएनए सीक्वेंस हो गए, सपोज करो हमने ये वाले जीन्स ले लिए, ठीक है. एक पर्सन के अंदर ये 1400 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, दूसरे पर्सन के अंदर ये 1700 टाइम रिपीट, दूसरा ये जीन है 1700 टाइम, ये 1500 बार, ये 2000 बार रिपीट हो रहा है. तो उसके बच्चे के अंदर भी ये चीजें जो होंगी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी. ठीक है, या फिर बिल्कुल सेम भी हो सकती हैं, या तो सिमिलर होंगी या बिल्कुल सेम हो सकती हैं. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें पता चल जाता है दैट जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से. हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट That was all about today's topic. I hope you got it. Thank you and have a nice day.